आप जिनको चिल्लर में 1 या 2 रुपए देते हैं उनसे जुड़ी ये खबर आपको चौंका देगी। देश के लगभग हर चौराहे हर रोड पर भिखारी आपको भीख मांगते नजर आएंगे, जिन्हें आप शायद रहम करके कुछ रुपए दान भी देते होंगे। लेकिन जरा सोचिए कि आप जिस भिखारी को सिक्कों की भीख देते हैं वह दरअसल 1 करोड़पति निकल आए तो क्या होगा, आपके चेहरे का हाव भाव देखने लायक होगा। आज हम आपको जिन भिखारियों के बारे में बताने जा रहे हैं वे दरअसल भारत के सबसे अमीर भिखारियों की लिस्ट में शामिल हैं, पर शायद ही उनके बारे में आपको कुछ पता होगा। ये भिखारी सुविधा संपन्न है, उनके बच्चे बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके पास अपना खुद का बड़ा बिजनेस है, दुकानें हैं, करोड़ों का बैंक बैलेंस है, इसके बावजूद भीख मांगना उनका पैसा है। आइए आज हम इस वीडियो में भारत के खास 9 करोड़पति भिखारियों के बारे में जानते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम आता है पप्पू भिखारी का, जो पटना से है। करीब 1.25 करोड़ रुपए का मालिक पप्पू पटना जंक्शन पर भीख मांगता है। पप्पू 5 बैंक अकाउंट भी मेंटेन करता है जिनमें लाखों रुपए जमा है। जानकारी के अनुसार कुछ साल पहले पप्पू को उसके पिता ने पढ़ाई के लिए डांट लगाई, इससे नाराज होकर पप्पू मुंबई चला आया। कुछ महीने मुंबई में रहने के दौरान एक दिन मुंबई में ट्रेन में सफर करते समय वह ट्रेन से गिर पड़ा, इससे उसका एक हाथ जख्मी होने पर इलाज के लिए उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके सारे पैसे वहां खत्म हो गए। पप्पू ने बताया कि वह मुंबई रेलवे स्टेशन पर खड़ा था, उसकी लाचारी देखकर लोगों ने उसे भिखारी समझकर कुछ पैसे दे दिए। पहले ही दिन मिले 500 रुपए से उसने भरपेट खाना खाया और नए कपड़े भी खरीदे। अगले दिन फिर वह उसी जगह पर जाकर बैठ गया। इस दिन भीख में उसे 700 रुपए मिले। इसके बाद तो पप्पू रोजाना उसी जगह पर बैठने लगा और अच्छी खासी कमाई होने लगी। जब मोटी रकम जमा हो गई तो वह वापस पटना आ गया। उसके नाम पर पटना सिटी और दीघा में बहुत सारी जमीन भी है जिसकी कीमत लाखों रुपए में है। पप्पू विवाहित है और उसका बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है। भरत जैन, बना बन अंग्रेजी बोलने वाले 49 साल के भिखारी भरत जैन को जानिए। जनाब रोजाना 8 से 10 घंटे मुंबई के परेल पर भीख मांगते हैं और महीने के लगभग 65,000 रुपए कमा लेते हैं, जो कि वहां के मुख्यमंत्री की पगार से भी अधिक है। है ना होश उड़ाने वाली बात। और तो सुनिए, इनके पास खुद के 70-70 लाख रुपए के 2 फ्लैट भी हैं। भरत भांडुप इलाके में एक जूस की दुकान के मालिक भी हैं। इसी जगह पर इनकी एक और दुकान भी है। इन दोनों दुकानों से भरत को 10,000 रुपए महीने का किराया भी मिलता है। भरत के परिवार में उनके माता पिता और बीवी बच्चे भी हैं। भरत हिंदुस्तान के सबसे अमीर भिखारियों की लिस्ट में 2 नंबर पर आते हैं। फिर भी अगर ये परेल पर भीख मांगते दिख जाए तो हैरान मत होइएगा। फैशनेबल तरीके से भीख मांगने वाले भिखारी मासू, इन साहब से मिलिए। ये साहब फिल्म स्टूडियो में कपड़े बदलकर ऑटो से भीख मांगने वाली जगह पर पहुंचते हैं। मासू भी मुंबई के परेल से ताल्लुक रखते हैं। वहां उनका खुद का एक कमरे का फ्लैट भी है। साथ ही 30 लाख रुपए की अन्य संपत्ति के साथ मासू 60 लाख रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। परिवार वालों के समझाने के बाद भी ये अपने फैशनेबल तरीके से भीख मांगना नहीं छोड़ते। परिवार के मना करने पर भी नहीं छोड़ते ये काम। इनका नाम है हाजी। हाजी मुंबई से हैं। इनकी रोजाने की आमदनी 2,000 रुपए है। त्योहार के समय इनकी आमदनी बढ़ जाती है। इनके पास खुद का घर है और साथ में ही लगभग 15 लाख रुपए के प्लॉट भी हैं। इसके अलावा हाजी का खुद का जरी का कारखाना भी है जहां 15 लोग काम करते हैं। अपने परिवार के समझाने के बाद भी ये भीख मांगना नहीं छोड़ते। हाजी कहते हैं कि मेरा पहला पैसा भीख मांगना है और भले ही मैं लाखों करोड़ों रुपए क्यों ना कमा लूं, ये काम तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। खुद के फ्लैट में भाई के साथ मजे में रहते हैं भिखारी कृष्ण कुमार गीते। नाला सुपारा में रहने वाला कृष्ण कुमार गीते अपने भाई के साथ अपने खुद के फ्लैट में मजे से रहता है। वह दिन में 8 से 10 घंटे भीख मांगता है और हर महीने 10 से 15,000 रुपए कमा लेता है। इसके अलावा कृष्ण कुमार गीते के पास बैंक में लाखों रुपए भी जमा है। विदेश यात्रा कर चुकी है भिखारी सार्वित्या देवी, इनसे मिलिए। ये है भारत की सबसे प्रसिद्ध महिला भिखारी सार्वित्या देवी।
ये पटना में रहती हैं और सालाना 36,000 रुपये LIC प्रीमियम का भुगतान भी करती हैं। भीख से हुई आमदनी से अपनी बेटी की शादी भी कर चुकी हैं और इनके पास खुद का घर भी है। दिलचस्प बात तो ये है कि ये 7 तीर्थ स्थानों पर घूम चुकी हैं और साथ ही साथ विदेश की यात्रा भी कर चुकी हैं। संभाजी काले, मुंबई के खार में अपने परिवार के 4 लोगों के साथ भीख मांगने वाले काले रोजाना 1,000 के करीब रुपए कमा लेते हैं। बैंक में लाखों रुपए की सेविंग के अलावा विरार में उनका फ्लैट और सोलापुर में जमीन के अलावा 2 घर भी हैं। लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी दास को सबसे बुजुर्ग भिखारी माना जाता है। लक्ष्मी 1964 में 16 साल की उम्र से ही भीख मांग रही हैं। लक्ष्मी दास को पोलियो है और इन्होंने भीख मांग कर मोटा बैंक बैलेंस बना लिया है। अभी हाल ही में उन्हें बैंक का क्रेडिट कार्ड भी मिल चुका है ना कमाल। तो दोस्तों, भारत के इन टॉप के भिखारियों को देखकर आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। हमसे आगे जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लेवे। धन्यवाद।